पोर्शन को एंड कर दिया। हम आते हैं इसके सेकंड पोर्शन पे। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विथ इज सिनोनिम्स एंड रीराइट द सेंटेंस। फर्स्ट है हिज अंकल ब्रॉट हिम अ बर्थडे गिफ्ट, तो लिखेंगे हिज अंकल, पूरा लिखेंगे वही सेम, बट गिफ्ट जो अंडरलाइन है उसको हमें चेंज करके अदर सिनोनिम्स मेंशन करना है। तो हिज अंकल ब्रॉट हिम अ बर्थडे प्रेजेंट। द डॉग हाइड इट सेल्फ बिलो द टेबल। बिलो का मतलब क्या होता है? नीचे, तो वो क्या हो जाएगा? अंडर द टेबल। आई वॉन्ट, पूरा आपको ये लिखना है द डॉग हाइड इट सेल्फ अंडर द टेबल, बिलो हटा के अंडर कर देंगे। आई वेंट होम अर्ली एज आई वॉज फीलिंग सिक, तो यहाँ पर क्या होगा? सिक, सिक मतलब बीमार हुआ, ठीक है। जैसे वो घर आया जल्दी, उसी वक्त क्या हुआ उसको, कैसे फीलिंग सिक मतलब बीमारी, उसको मतलब अपने आपको बीमार महसूस करने लगा, तो सिक का क्या हो जाएगा? आई डबल एल इल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होगा? वी नीड टू मिक्स एग्स एंड फ्लोर टू मेक केक। हमारी हमें क्या ज़रूरत है मिक्स करने की? एग और फ्लोर को, ठीक है। तो मिक्स का क्या हो जाएगा? मैश भी हो जाएगा, MASH मैश, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पेज पे आइए, नंबर 5 है। आई विल टॉक टू माई ब्रदर अबाउट यू। अब यहाँ पर देखिए स्पीक का टॉक आ रहा है, बट यहाँ पर क्वेश्चन नहीं अलग पूछा। आई विल टॉक टू माई ब्रदर अबाउट यू, मैंने तुम्हारे अपने मतलब अपने भाई से तुम्हारे बारे में पूछा, तो यहाँ पे स्पीक नहीं होगा, आई विल डिस्कस, वो एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं ना। सो आई विल DISCUSS डिस्कस टू माई ब्रदर अबाउट यू। द टेस्ट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, तो डिफिकल्ट का क्या हो जाएगा? हार्ड। टेस्ट तो हर किसी के लिए डिफिकल्ट होता है, वही डिफिकल्ट मतलब कठिन, हार्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आपको करना है, ठीक है। सारा कीप्स हर रूम वेरी नीट, अब नीट को सर्च करिए और आपने लर्न किए होंगे तो अपने अब लिखिए। एवरी वन लाव्ड एट हिज फनी जोक्स, हर कोई जो है उसके फनी जोक्स पे हंसा। तो लाफ्ड के मतलब क्या हो जाएगा? एक जैसे होता नहीं है, जैसे कोई बहुत अजीब सा जोक मारता तो एकदम हंसते हंसते हम लोग गिर पड़ते हैं, ऐसे इतना हंसता है वो, हंसी की बात उठती है, ठीक है। तो क्या होता है ना, वही एक फनी जोक मारा, खूब जोर से ताली बजा के हंसे, उसको जो प्रॉपर हंसना होता है उसको बोलते हैं चकल्ड, CHUCKLED, इसको चकल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आपको कंप्लीट करना है।